नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं हूं अंतिम किसान, धार, मध्य प्रदेश। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले राहुल भाई ने हमें कल्चर को अपने खेत या घर पर कैसे मल्टीप्लाई किया जाए उस पर एक वीडियो बनाया था। तो उसी तरीके से मैंने भी कुछ कल्चर लेकर अपने घर पर उनको मल्टीप्लाई किया है। अभी इसे बनाकर रखने के लिए 5 दिन हो चुका है। 5 दिन पहले इसे मैंने बनाकर छोड़ा हुआ है। इसमें हमने 6 से 7 कल्चर है। एक तो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, वर्टिसिलम लखानी, सुडोमोनास, बेवियारा बेसियाना, ऐसे 7 कल्चर है। इसको बनाने के लिए हमने मैदा, आलू और गुड़ का प्रयोग किया है। दोस्तों, ये तो हुआ कल्चर की बात। आप देख सकते हैं ये 5 दिनों पहले बनाकर रखा हुआ है और किस तरीके से कल्चर हो चुका है। ये तो हो गई कल्चर की बात। किसान भाइयों, कुछ समय से या 4 से 5 महीने से मैं राहुल भाई और गणेश भाई की वीडियो लगातार YouTube पर देखते हुए आ रहा हूँ। ये मेरा केले का बगीचा है। ये लगभग 8 महीने का होने वाला है, जिसमें हमने लाइन से लाइन की दूरी रखी है 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी रखी है 8 फीट। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब दोपहर के 3 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे खेत में आपको कहीं पर भी धूप दिखाई नहीं देगी। केले के पौधे ने पूरा कुछ कवर करके रखा है। अभी गुड़ी पड़वा से इसमें फ्लावरिंग की दस्तक दिखाई दी है और करीब करीब अब 8 से 10 दिनों में अभी 10% फ्लावरिंग हो चुकी है। कहीं कहीं पर बंच भी बाहर निकल कर आ गया है। तो आप देख सकते हैं बंच की क्वालिटी किस प्रकार से है। फ्लावरिंग ने दस्तक दी है, करीब 10 से 12 दिन हो चुके हैं। इस पर हमने मिट्टी का स्प्रे लिया हुआ है। फ्लावरिंग की दस्तक हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ और बंच या फ्लावरिंग दिखाने की कोशिश करूं। जैसे ही है फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जो मैंने अपने खेत पर राहुल भाई और गणेश भाई के वीडियो देखकर सीखा, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, वही सब कुछ जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं अब फ्लावरिंग की स्टेज में, अब ये पहला पत्ता पीला होने नीचे से लगा है। अब पौधे का स्ट्रक्चर, हाइट, पत्तों की संख्या, ग्रीनरी, सब कुछ देख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने राहुल भाई और गणेश भाई से सीखी और अपने खेत पर इम्प्लीमेंट की है, वही सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बीच में हमने मल्चिंग करके रखी हुई है। जैसे फ्लावरिंग ने दस्तक दी है, करीब 5 से 10% फ्लावरिंग हो भी चुकी है। बंच का पूरा बंच मोबाइल में भी नहीं आ रहा है। फ्लावरिंग की दस्तक दे दी है। कुछ बंचेस निकल कर बाहर भी आ चुके हैं क्योंकि गर्मी का सीजन है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ही आपको ये बता रहा था कि करीब 4 से 5 महीने से मैं राहुल भाई और गणेश भाई के सारे वीडियो फॉलो कर रहा हूँ। आप पौधे की हाइट, हेल्थ, पत्तों की संख्या, ग्रीनरी, सब कुछ देख सकते हैं। ये देखिए,
इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने गणेश भाई और राहुल भाई से सीखी। जैसे गणेश भाई ने आज से कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि हम केले में पौधे को जल्दी से भोजन अपटेक करने के लिए क्या करें, या फिर पौधा जल्दी से जल्दी भोजन ग्रहण कैसे करें। उस पर एक उनका वीडियो था शायद कि कैसे हम गुड़, 1 लीटर छाछ और पोटेशियम फुलवेट का यूज़ करके हमारे खेत में, केले के खेत में न्यूट्रिशन पौधे अपटेक करें, इसके लिए एक वीडियो बनाया था। तो वही हमने हमारे खेत पर चलाया था। गणेश भाई, आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था कि गुड़, छाछ और पोटेशियम फुलवेट का यूज़ कैसे किया जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने में उस डोज का उपयोग, गुड़, छाछ और पोटेशियम फुलवेट, इसका मेरे खेत में प्रयोग किया है, ड्रिप से छोड़ा है, जिसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हो मेरे